वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स ऑनर्स की क्वेश्चन पेपर है जो कि सेमेस्टर 5 का है और सेशन हमारा 19 से 22 सेशन का है और पेपर जो है वो हमारा DSC 1 है LPP। ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इजी। जो स्टूडेंट को हम पढ़ाए हैं वो स्टूडेंट का ही क्वेश्चन पेपर है, वो सारे क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी उसके एक्स्ट्रा भी बना के आए हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, ये हम गेस पेपर में भी क्वेश्चन दिए हुए थे। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, LPP को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना था, ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। देन उसके बाद मैक्सिमाइजेशन का था, ठीक है। देन उसके बाद 4 नंबर का असाइनमेंट प्रॉब्लम था, उसमें भी प्रॉब्लम ही था, उसको भी सॉल्व करना था। देन हमारा 5 नंबर आता है, 5 नंबर में देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था वैम मेथड से, ये भी बहुत इजी था, इसको भी सॉल्व करना था। तो 20-20 मार्क्स का। तो देखिए मेरे स्टूडेंट क्या किए हैं कि 4 क्वेश्चन बना के आए, जो कि 3 क्वेश्चन बनाना था लॉन्ग में। ठीक है, तो अगर ट्यूशन करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं। सेमेस्टर 6 में हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 तारीख से, तो आप लोग ट्यूशन कर सकते हो। देन 6 नंबर देखिए डुअल प्रॉब्लम से, ठीक है, डुअलिटी से आया था ये, ए और बी। देन 7 नंबर, 7 नंबर हमारा देखिए ये है, एंड हमारा 8 नंबर में क्या है कि डोमेन प्रॉपर्टीज से दिखाना था, और फिर हमारा जाके देखिए 8 नंबर डोमेन से ही सॉल्व करना था, दोनों से पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसको डोमेन से ही दोनों सॉल्व करना था, जो कि हम बताए हुए हैं और ट्यूशन में भी बताए हुए थे। सारा पूरा कंप्लीट हम करवाए थे, पूरा सिलेबस, बस आपको क्वेश्चन करके आना था एग्ज़ाम में। जो भी ट्यूशन किए होंगे तो उनके लिए तो बहुत ईजी था। आज जो मेरे पास ट्यूशन नहीं किए, कहीं भी ट्यूशन किए होंगे तो उनको तो पढ़ाया गया होगा ना, तो ईजी था, ओवरऑल बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था, बस यही बोलना चाह रहे हैं।